मानव समाचार मानवता के हक में। आज जो दौर है मोबाइल और इंटरनेट, ये तो इसमें जो नौजवान नस्ल है, मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर लोगों को पता भी नहीं होगा या आने वाली नस्लों को शायद ये ना पता हो कि डाक टिकट क्या होता है। तो ये आपने किया है एक बहुत बड़ा कारनामा इसे, और शहर मालेगांव के लिए एक फख्र की बात है। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप इस तरह की एक तख्लीक करें? दरअसल मैं ये सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा वर्क करूं जो कि यूनिक हो, और यूनिक होने के साथ साथ मैं एक क्राइटेरिया, ऐसा एक इकाई ढूंढ रहा था कि मैं एक इकाई पहले मुरतब कर लूं कि उस इकाई की बुनियाद पर मुझे तमाम शख्सियात के बारे में, उनके कारनामों के ताल्लुक से मुझे लिखना है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ख्यालात की बिना पर, तो ख्यालात की बिना पर जो है बहुत कम उसमें अशखास उसमें शामिल हो सकते हैं। अगर मैं उसको क्राइटेरिया बनाता किसी इनाम को, बिलफर्ज अगर हम एक इनाम पद्म भूषण को अगर लेते हैं या पद्म विभूषण को लेते हैं, तो उसमें बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं जिनको वो इनाम मिला ही नहीं, और बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने उस इनाम को काबिल एतना नहीं समझा। जैसे उसमें एक रफ्तगान गुलाब चेहरे में शख्सियत हैं उस्ताद विलायत अली ख़ान, वो पूरे भारत के एक ऐसे शख्स हैं जिनको पद्मश्री दिया गया, पद्म भूषण दिया गया और पद्म विभूषण दिया गया, वो उन्होंने तीनों इनाम लेने से इनकार कर दिया, यानी अलग अलग साल में उनको दिया गया और उन्होंने तीनों साल में जो है वो इनाम लेने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर वो लिस्ट में वो शामिल नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अजीम नहीं है। तो इस तरह का क्राइटेरिया जब मैंने बनाने की कोशिश की, तो बड़े तकवदाओं के बाद मुझे ये सूझा कि क्यों ना जब हुकूमत जब डाक टिकट जारी करती है, और ख़ास तौर पर मैं ये चाहता था कि मैं हुकूमत के रिकॉर्ड से साबित करूँ, क्योंकि जैसे अगर हम कहते हैं कि फलां शख्स जो है वो अहम है, फलां शख्स ने इतनी खिदमत अंजाम दी, तो ऐसा होता है। जैसे अगर हम उर्दू की बात करें, तो उर्दू के ताल उर्दू में बहुत सारी किताबें हमें मिल जाती हैं, लेकिन उर्दू की किताबें हम पढ़ते हैं, हम छापते हैं, हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि हम बहुत भारी काम कर रहे हैं, हमारी बातें जो है दूसरे लोगों तक पहुँच रही हैं। अब वो जो है वो शख्सियात सामने नहीं आती हैं जिनके ताल्लुक़ से हुकूमत ने जो है उनकी खिदमत को सराहा है। जैसे उसमें रफ्तगा में आप देखेंगे कि उसमें आपको मुसन्निफीन भी मिलेंगे, आपको फ़नकारान भी मिलेंगे, आपको मुख्तलिफ सियासी और सामाजिक खिदमत अंजाम देने वाले लोग भी मिलेंगे। जैसे उसमें आपको एमसी चागला भी मिलेंगे। एमसी चागला वो शख्स हैं कि जब पुर्तगाल और इंडिया का जब मतभेद चल रहा था, तो उस वक्त हिंदुस्तान के सामने एक मोड़ ये आया कि पूरे भारत की तरफ से अक़वाम मुत्तहदा में भारत की नुमाइंदगी करने के लिए एक जज चाहिए, तो उस वक्त भारतीय हुकूमत की तरफ से एमसी चागला को भेजा गया। तो मैंने उस बात को वहाँ पेश किया कि जैसे एमसी चागला ने इस तरह की खिदमत अंजाम दी। अब अगर उसी को अगर हम म्यूज़िक की तरफ देखेंगे और अलग अलग शोबा हयात में देखेंगे, तो उसमें मुसलमानों के अपने अपने अलग अलग कारनामे हैं, उन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। अभी आज अगर हम मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करेंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों ने क्या काम किया या क्या कारनामा अंजाम दिया। जैसे अगर हम हिस्ट्री का मुतालिया करें, खासतौर पर टेक्स्ट बुक में ऐसी बहुत सारी शख्सियात हैं जिनके ताल्लुक से कुछ मिलता ही नहीं है। जैसे हसरत मोहानी वो शख्स हैं जिन्होंने ये नारा लगाया कि हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए। अब ये नारे के ताल्लुक से हमें ये तो पढ़ाया जाता है कि मुकम्मल आज़ादी की करारदाद 1929 में मंजूर हुई, और उसी की यादगार के तौर पर 1929 में ही हमने ये फैसला किया कि 30 जनवरी 1926 को हम पहली यौम आज़ादी मनाएंगे, और ये तो हम याद रखते हैं। लेकिन इस वक्त हम ये याद दिलाना भूल जाते हैं कि पहली दफ़ा ये जो यौम आज़ादी की करारदाद, यानी कि ये करारदाद कि हमें संपूर्ण स्वराज्य चाहिए, मुकम्मल आज़ादी चाहिए, सबसे पहले ये ख्याल मौलाना हसरत मोहानी ने पेश किया था। और जब उन्होंने ये पेश किया था 1921 में, तो ये कहा गया कि ये बात तो कबला अज़ वक्त है, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की ये डिमांड थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। तो इस तरह बहुत सारे अफराद हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अपने अपने उसमें रहते हुए उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन वो वक्त के तह में दब गए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि उनको दोबारा लाया जाए और जो हुकूमती रिकॉर्ड है उसे साबित किया जाए, और साथ में उनके ताल्लुक से जैसे हवा में बात करने की बजाय एकदम फैक्चुअल बातें की जाए, इस तरह की कोशिश है। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन एक आखिरी बात में एक कि आप इस जो किताब आपने जो तरतीब दी है एक अच्छी कोशिश है, लेकिन इसके बारे में जो नई नस्ल है इसको क्या फ़ायदा पहुंचेगा या किस तरह से इस किताब से इस्तेफादा किया जा सकता है, इसके बारे में दो लफ्ज़। इस्तेफादा इस तरह किया जा सकता है कि आप इसमें ये देख सकते हैं कि अलग अलग फील्ड में
क्या योगदान रहा है, और इसके ज़रिए आप जो जो हमारा सुनहरा माजी रहा है ख़ास तौर पर सिर्फ भारत का, क्योंकि इस किताब में मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान के तौर पर नहीं लिया गया। अगर मैं सिर्फ मुसलमान लेता तो उसमें अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा का भी नाम था, उसमें अपने जो हाफिज़ शिराजी हैं उनका भी नाम आ सकता था, या फिर जो फारसी मशहूर शायर हैं राजी उनका नाम भी आ सकता था, लेकिन मैंने भारतीय मुसलमानों को यहाँ पर टारगेट किया, क्योंकि अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा ये तुर्की के हैं, इनका भारत से क्या लेना देना। अब जैसे भारत की तामीर और तरक्की में उनका वो रोल नहीं रहा जिनका दीगर अफराद का रहा, तो मुझको ये साबित करना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अपनी सी कोशिश की है। तो अब इसमें नई नस्ल को ये चाहिए कि वो इस किताब को ना सिर्फ पढ़े बल्कि इसके बारे में अगर नई नस्ल खुद से अगर जानने की कोशिश करे और मेरे इस काम को आगे बढ़ाए तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ काम किया है। क्योंकि सबसे अहम बात यानी सिर्फ काम करके वहाँ रुक जाना नहीं है, बल्कि काम तब होता है जबकि कोई शख्स मेरे इस काम को आगे बढ़ाए। यानी कि असल काम तो अब शुरू होगा कि आपने एक तख्लीक की है, अब ये आगे की नस्ल तक पहुंच जाए तो आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। जी इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपकी ये किताब जो है वो आवाम तक पहुंचे और आपका जो मकसद था इस तख्लीक के पीछे वो पूरा हो। जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने।